बीपी बहुत ज्यादा है, ऐसे में काकी माँ को बिल्कुल टेंशन नहीं दे सकता मैं, और डिवोर्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं। काकी माँ, आपका बीपी कितना बड़ा हुआ आपको पता? आप ऐसे काम करती रहेंगी तो ठीक कैसे होंगे? अब जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करेंगी आप रूम में आराम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हॉल में आ सकती है। और ये मत सोचिएगा कि मैं ऑफिस चले जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं चिन्नी खबरी को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, सब बताएगी मुझे, खबरी है मेरी वो। भैया, चिन्नी के साथ साथ मैं और भाभी भी माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, और अगर माँ ने बात नहीं मानी ना तो सीधा आपके पास कंप्लेन लेकर आ जाएंगे। वेरी गुड, फोन कर देना मुझे। आदि बेटा, सदर दिशा बिंदी दिखाई नहीं दे रही। भाभी, ये महाराष्ट्र मारवाड़ी समाज की तरफ से मुंबई के सबसे रिस्पेक्टेड मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को उनकी तरफ से अध्यक्ष बनाने का ऑनरेरी सिंबल है, और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि इस बार उन्होंने हमारे काकुसा को चुना है। लेकिन भाभी, पापा तो हर तरह की सोशल एप्रिसिएशन और अटेंशन से दूर रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने हर बार अपना नाम वापस भी लिया है, फिर इस बार उनका नाम किसने? मैंने भेजा। काकुसा, मैं जानती हूँ आप बहुत प्राइवेट और सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, पर ये सम्मान आपके लिए ही बना है, इसीलिए आपकी परमिशन लिए बगैर मैंने आपका नाम भेज दिया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मारवाड़ी समाज के सभी मेंबर्स ने बहुमत में आपको ही चुना है। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है, उसी रिश्ते के नाते मेरी इस रिक्वेस्ट को मना मत कीजिए, प्लीज इस सम्मान को अपना लीजिए। मैं खुद जाके पगड़ी आपके लिए लेके आई हूँ। इनफैक्ट आज शाम को 6:30 बजे महाराष्ट्र मारवाड़ी समाज के बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं आपको सम्मानित करने के लिए, और क्योंकि हमारे लिए दिन इतना स्पेशल है, मैंने कुछ खास गेस्ट को भी बुलाया है। सारी जिंदगी आपने दूसरों के लिए ही किया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन भगवान ने हमें ऐसी बिंदी दी है जिसके लिए आपका सम्मान सबसे ऊपर है। धनी, हम ठाकुर जी का एहसान कैसे उतार पाएंगे? काकी माँ, मैंने कुछ नहीं किया, काकुसा है इतना स्पेशल, और वैसे भी अगर बच्चे नहीं सोचेंगे बड़ों के बारे में तो और कौन सोचेगा, है ना आदि? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे
देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप